हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सपोर्टिंग मटेरियल के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 में नोट कर रखा है, बोला गया है विच टर्म ऑफ एन ए पी 315 27 39 विल बी 130 मोर देन इट्स 54 टर्म। यानी कि जो हमें ए पी दे रखी है यहाँ पे 315 27 39, करते ये मेरी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इसमें कोई मेरी 54th टर्म होगी। इस 54th टर्म से मुझे 132 अगर ज़्यादा कर दिया जाए तो वो टर्म कौन सी होगी, ये वाली टर्म हमसे पूछी गई है। अगर इस एपी के अकॉर्डिंगली जो भी इसकी 54th टर्म होगी उससे मैं 132 ज़्यादा कर दिया जाए तो ऐसी टर्म मेरी कौन सी होगी, यानी हमें एन ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, एन की वैल्यू। तो हमें ए दे रखा है 3, डी होता है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, यह है मेरा 12। ठीक, तो जैसा क्वेश्चन बोला गया वैसा हम फॉलो करेंगे। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी। याद रखना जो भी एन होगा इसमें एन माइनस वन कर देना, यानी कि एक नंबर कम करना है। अगर मेरे से ए 7 की वैल्यू पूछी जाएगी तो मैं क्या लिखूंगा, 7 माइनस वन यानी कि 6d, थोड़ा शॉर्टकट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमें बोला गया है वो टर्म बताओ यानी ए एन बताओ जो कि 54 टर्म से कितना ज़्यादा है, 132 टर्म ज़्यादा है। तो 54 टर्म को क्या लिखेंगे, ए प्लस में 53d, जैसे कि मैंने आपको बताया एन जो भी होगा उससे एक नंबर कम कर देना, 54 है तो क्या कर दिया मैंने 53 प्लस 132। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी, प्लस का ये इधर एक माइनस का हो जाएगा, बेटर है पहले काट दो, एन तो निकालना है, डी कितना मेरा 12, तो यहाँ 12 लिख दिया, 53 इंटू 12 प्लस 132, एन माइनस 1 इंटू 12, 153 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, ये आया 1836, इसमें प्लस कर देंगे 132 को, एन माइनस 1 इंटू 12 दोनों को प्लस करेंगे, ये आया 1968। मल्टीप्लाई में 12 है किस में आ जाएगा, डिवाइड में, तो इसका डिवाइड कर देंगे, ये आया 164, माइनस का वन है इधर है किसका आ जाएगा, प्लस का 164 प्लस में 1, ये आ गया मेरा 165। सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई में गलती होगी, ये मेरा 636 था, मैंने गलती से 1836 लिख दिया, 636 में प्लस करेंगे 132 को, तो ये आएगा 768 आएगा। इसके आगे मैं सारे पार्ट दोबारा कर देता हूँ, ये आएगा एन माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 768, मल्टीप्लाई में 12 है ये आ जाएगा डिवाइड में, यहाँ निकल गया 64, माइनस का 1 है इधर है इसका आ जाएगा प्लस का, ये थोड़ा मल्टीप्लाई करने में मल्टीप्लाई सही की थी, यहाँ लिखना गलत कर दिया मैंने, 636 था यहाँ पे, ऐड करने के बाद में प्रोसीजर वही है। ठीक है, थर्ड यहाँ पे मिस्टेक होगी, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये जो टर्म होगी मेरी वो कौन सी होगी, 65 टर्म होगी जो इससे 132 ज़्यादा होगी। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 में बोला गया इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म इज एन ए पी 1050। अगर इस ए पी की 14 टर्म का जो सम है वो हमें दे रखा है 1050, तो और इसकी फर्स्ट टर्म यानी कि हमें ए दे रखा है 10, तो बताओ इसकी ए 20 टर्म क्या होगी। हमें क्वेश्चन में ए ओ डी पे फोकस करना है, जब ए ओ डी आ जाता है तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है। तो ए तो मेरे पास है, सिर्फ डी निकालना है। ठीक है, एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी। तो यहाँ पर 14 दे रखा है एन की जगह पे, तो मैंने रख दिया 14 बाय 2 2 ए, ए की वैल्यू कितनी मेरी 10 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 14 माइनस 1 डी, डी तो फाइंड करना है, इज इक्वल टू 1050, 2 का डिवाइड दिया 7, 10 टू ज़ा 20, माइनस किया तो यह आया मेरा 13d इज इक्वल टू 1050, 7 मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, 7 का डिवाइड दिया 7 बन जाए 7, 75 से 35। ठीक है, तो ये मेरा आ गया 150, 13d प्लस का 20 तरह किसका हो जाएगा, माइनस का 13d, माइनस किया तो यह 130, मल्टीप्लाई में डी है किस में आ जाएगा, डिवाइड में, 130 में मैंने 13 का डिवाइड दिया तो ये मेरा निकल गया आगे 10। और अब हम फाइंड करेंगे a20, तो a20 को डायरेक्टली लिख देंगे हम a प्लस में 19d, जो भी होता है एक नंबर कम कर देंगे। ठीक है, यहाँ 20 है तो यहाँ पे 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा 19d, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया a की वैल्यू
10 है, 19 डे की वैल्यू 10 है, तो 19 को 10 से किया 190, दोनों को प्लस कर दिया 200, तो मेरी जो 820 होगी वो कितना होगा, 200 होगा। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता है अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।